जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अलाहाबाद यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट जो 2023 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या उसके एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनको मैं बताऊंगा कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट एडमिशन और काउंसलिंग से पहले तैयार कर लें ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये मैं स्पेसिफिक वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट लोग का एडमिशन कैंसिल हो गया था क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाए थे। इसलिए मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊँगा वो ऑफिशियल है, कोई मतलब इधर उधर का नहीं है, मतलब जो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रेस रिलीज होता है उसी की तरफ से है। तो मैं ये बताऊंगा कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी जितने भी स्ट्रीम के 5 स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए जो जो मैं बताऊंगा वो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। तो चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट बताना स्टार्ट करता हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, और हाँ, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे अपडेट लाते रहूँगा ताकि आपको एडमिशन और काउंसलिंग में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आप लोग, हाँ, और मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इसे नोट डाउन करते रहिएगा ताकि बेटर रहेगा। तो देखिए, पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है कि ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड ऑफ एनटीएम 2023 वाला। ये मतलब ऑफिशियल पिछले साल वाला, लेकिन यही ऑफिशियल है। तो एडमिट कार्ड और एनटीए का जो स्कोर कार्ड है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रखिएगा, और ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यानी 10th और 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट रखना है आप लोग को। हाँ, और ये जो 4th वाला है जो ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ ट्रांसफ़र या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है वो सोचते हैं कि हम यहाँ भी एडमिशन ले लें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले लें, बीएचयू में भी ले लें या दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ले लें, तो वो इसलिए टीसी जमा या माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं, इस वजह से उनके एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए, या बहुत सारे स्टूडेंट लोग का टीसी मिल भी नहीं पाता, स्कूल से नहीं मिल पाता, तो इसलिए मैं बताऊँगा कि जो स्टूडेंट एडमिशन चाहते हैं तो वो अपना टीसी या माइग्रेशन ले के अपने पास रख लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर, अगर आपने 1 साल या 2 साल गैप किया हो तो उसके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म आता है, वो फिलअप करके जमा करना रहता है। और ये जो गैप ईयर का फॉर्म है आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूँगा, आप उसे प्रिंट आउट करा के फिलअप करके जमा कर सकते हैं। फिर उसके बाद ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एससी एसटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी अगर आप कास्ट जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं ओबीसी एससी एसटी, तो अगर आप कास्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप उसको रिसेंट जो अपडेटेड वाला हो वो रखिएगा। और उसके बाद ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये ईडब्ल्यूएस वाले का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हर साल अपडेट होता है उनका, ध्यान से अगर देखिएगा तो उसमें मेंशन रहता है कि ये 1 साल बाद वो एक्सपायर हो जाता है, इसीलिए अपने जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस उसको चेक कर लें। उसके बाद ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड का 2 फोटोकॉपी रख लीजिएगा, और फिर एंटी रैगिंग फॉर्म, तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये जो जो मैं आपको 10 बताया हूँ डॉक्यूमेंट्स, ये प्रॉपर अपने पास रख लीजिएगा ताकि कोई एडमिशन में दिक्कत ना हो। और हाँ, अगर एडमिशन या काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।